हरिद्वार पुलिस के साइबर क्राइम सेल ने एक ऐसा काम करके दिखाया जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिछले 6 महीनों से चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रेस कर पुलिस ने खोज निकाला और उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा, जिसकी लोगों द्वारा जमकर तारीफ हो रही है। हरिद्वार जिले में पिछले 6 महीनों में चोरी हुए 252 मोबाइल फोन को खोजकर उनके मालिकों को सौंपा गया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों में चोरी हुए मोबाइल फोनों के मामलों की जानकारी के आधार पर पहले टीम बनाई गई, उसके बाद सभी फोनों को ट्रेस कर कुल 252 फोनों को खोजने में सफलता प्राप्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 43 लाख रुपए बताई गई है। ये फोन जब उनके असली मालिकों को दिए गए तो ये सभी काफी प्रसन्न नजर आए। इस बार अभी लास्ट टाइम भी हमने काफी सारे मोबाइल लौटाए थे लोगों को, इस बार 252 मोबाइल जो रिकवर हुए हैं वो किए जा रहे हैं, कि तो अगर कॉस्ट के हिसाब से देखें तो काफी हो जाते हैं 40+ लाख। बात सिर्फ मनी की नहीं, मैंने खुद कहा कि एक जरूरत की चीज हो गई, लाइफ का एक पार्ट बन गया मोबाइल को, और एक प्रयास है हरिद्वार पुलिस का कि नहीं बहुत अच्छा। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मुझे फ़ोन मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये मैं शाम के टाइम मंदिर जा रही थी तो मैंने जेब में डाल दिया था, जैसे मैं बाइक पर बैठी तो वो बीच रास्ते में निकल गया। जैसे मुझे पता चला एकदम, मैंने मतलब भाई को बोला तो जैसे गया वहाँ पे फ़ोन नहीं था। पूछा किसी से तो उन्होंने कहा दो स्कूटी पर आए थे लड़के, उन्होंने अपना बताकर वो लेकर चले। हाँ जी, बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने तो अभी तक लिया भी नहीं नया फ़ोन, मैं सेकेंड हैंड ही चला रही थी फ़ोन, और मैं अब लेने भी वाली थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन मिल गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और थैंक यू कहना चाहूँगा उत्तराखंड पुलिस को, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया जब उनका फ़ोन आया कि आपको आपका फ़ोन मिल गया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब मेरा फ़ोन जो है बाइक से गिर गया था, मैं बाजार से आ रहा था, तब मैंने ज्वालापुर थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद मेरा फ़ोन आज 9 महीने बाद मिला है। मैं हरिद्वार पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और पुलिस हमारे ऐसे सराहनीय कार्य करे उसके लिए भी मैं पुलिस से अच्छी मदद मांगने के लिए प्रेरित करता हूँ। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।